गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त दीपक पाडेकर आपके लिए आज एक न्यू प्रोजेक्ट लेके आया हूं जिसका नाम है कल्पतरु विवांत। ये JVLR जोगेश्वरी ईस्ट में लोकेटेड है, जिसका लैंड पार्सल 6 एकर्स में फैला हुआ है। आपको इसको मैं लोकेशन बताने जा रहा हूं। ओबराइस, आपने ओबराइस स्प्लेंडर का नाम सुना होगा, जहां पे कल्पतरु का ऑलरेडी बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट्स है, उसके जस्ट बाजू में आपको ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है। इसका लेआउट मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए इसका लेआउट है। ये प्रोजेक्ट दो फेस में डिवाइड किया हुआ है। एक फेस में दो टॉवर लॉन्च कर रहे हैं, दूसरा फेस में टोटल 3 टॉवर्स आएंगे। उसके बाद इसमें 1 BHK और 2 BHK का कॉन्फ़िगरेशन डाला हुआ है। उसके बाद आपको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं 1 BHK का टोटल एरिया कैसे डिवाइड किया हुआ है। यहां पे किचन का जो लेआउट दिया है, किचन है आपका 7x9 का, लिविंग और डाइनिंग आता है 9.6x15 का, बेडरूम की साइज है इसकी 10x11 और टॉयलेट आपका ऑलमोस्ट 5.5 से 4, ये साइज का पाउडर टॉयलेट है और मास्टर बेडरूम का टॉयलेट आएगा 4.5x7.7। ये है 1 बेडरूम हॉल किचन का लेआउट। उसके बाद मैं आपको जो डेक वाला 2 बेडरूम हॉल किचन है उसकी साइज मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसका प्लान बहुत ही बढ़िया बनाया हुआ है बिल्डर ने और ये फ्लैट विद डेक दिया गया है, आप यहां पे देख सकते हैं। इसका लिविंग और डाइनिंग का 18x9.6 का दिया हुआ है, जो बहुत ही लार्ज कहा जा सकता है। इसकी किचन की साइज भी 7.1x9 है, प्लस आपको इसमें यूटिलिटी एरिया मिलता है जो किचन के जस्ट आउटसाइड में आप यहां पे देख सकते हैं, 5.1x2.7 का है। उसके बाद में आपका मास्टर बेडरूम है, ये मास्टर बेडरूम की साइज भी अच्छी खासी है 9.6x11.2। उसके बाद आपका ये मास्टर टॉयलेट है जिसकी कॉमन टॉयलेट है जिसकी साइज है 4.6x7.6। उसके बाद में ये आपका मास्टर बेडरूम आता है जिसकी साइज 10.00x11.2, जबकि ये बहुत ही लार्ज बेडरूम आपको दिख रहा है। उसके बाद इसको अटैच जो टॉयलेट है उसका भी 4.6x7.7 का टॉयलेट है, तो बहुत ही अच्छा प्लानिंग है। प्लस इसमें इस फ्लैट में आपको बालकनी भी दिख रही है, ऑलमोस्ट 3.5x9.2 फीट की बालकनी आती है, तो ये बहुत ही बढ़िया प्लान लग रहा है। उसके बाद में आपको और एक बेडरूम का, आप और एक 2 बेडरूम हॉल किचन का आपको यहाँ पे प्लान बताया गया है, ऑलमोस्ट सेम कार्पेट एरिया है इसका भी। उसके बाद में आपको मैं पूरा 2 विंग का लेआउट दिखाऊंगा, बी विंग का लेआउट दिखाऊंगा। ये है उसका बी विंग का लेआउट। ये प्लान है 5th से 22nd फ्लोर तक का प्लान है और इसमें जो अपार्टमेंट्स है इसका भी प्लानिंग है। ये 2 बेडरूम हॉल किचन, इसकी साइज है, हॉल की साइज है 10x19, ये भी विद डेक है, प्लस किचन है 8x8.10। और आज के तारीख में जो बॉम्बे में आपको मिल रहे हैं डेक वाले फ्लैट्स, क्योंकि आज मुंबई में न्यू DC रूल के हिसाब से बालकनीज ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है। उसके बाद मैं आपको जा रहा हूं 3 बेडरूम हॉल किचन का लेआउट दिखाने के लिए, और ये है 5 माले से लेके 22 माले तक का फ्लोर में मिलता है। यहां पे आप देख सकते हैं हॉल की साइज ऑलमोस्ट 11x22 फीट की साइज है विद डेक। हॉल में ही, लिविंग रूम में ही आपको डेक मिल रहा है, वो भी ऑलमोस्ट 4.25x9 फीट की करीब है। उसके बाद में आपको जैसे एंटर करने के बाद फर्स्ट लेफ्ट साइड में आपको गेस्ट रूम आता है जिसकी साइज है 10.5x14। ये बेडरूम की साइज भी बहुत ही लार्ज है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बेडरूम में आपका बेड रखने के बाद, उसके बाद में जो आपका वार्डरोब की जगह छोड़ने के बावजूद भी अच्छी खासी जगह दिख रही है। उसके बाद आपका जो अटैच टॉयलेट आता है ये भी ऑलमोस्ट 5.5x7.5 फीट का है।
तो बहुत ही लार्ज है। और ये फ्लैट आप लिविंग रूम के बाद में आप जाते हैं किचन की तरफ, इसका साइज भी अच्छा है 8x10। आपने देखा था टू बेडरूम हॉल किचन में 7x10 का था, बट थ्री बेडरूम हॉल किचन में आपको और ही बढ़िया और बड़ा फ्लैट दिया जा रहा है, बड़ा किचन साइज दिया जा रहा है। बेडरूम साइज बोलो, किचन साइज बोलो, हॉल साइज बोलो, लिविंग रूम साइज बोलो, सब बहुत ही अच्छी साइज दी हुई है, 10x12, 10x14। और मजे की बात तो यह है कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूं, जो सबसे बड़ा बेडरूम है मास्टर बेडरूम, जिसकी साइज आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 10.5x16 feet का बेडरूम बनाया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बेड रखने के बाद उसका जो नीश एरिया है, वार्डरोब का जो नीश एरिया है टोटली अलग है, मतलब आपके बेडरूम में बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होता है बराबर। उसके बाद में ये आपका इसका टॉयलेट है, और टॉयलेट की मास्टर बेडरूम का जो टॉयलेट है आप उसकी भी साइज आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 5x8 feet है, बहुत ही लार्ज है। और ये 3BHK का प्लानिंग विद डेक बहुत अच्छा बनाया हुआ है। ये बिल्डिंग नंबर आपका 3 bedroom हॉल किचन आता है अपार्टमेंट नंबर 4 में। उसके बाद आपके लिए और एक अपार्टमेंट नंबर 5 जो निकाला है वो भी 3 bedroom हॉल किचन है, उसकी भी साइज ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ आपको इसमें लेआउट में डिफरेंस आएगा। पहले वाले जो 3 bedroom हॉल किचन में आपने देखा होगा लिविंग रूम के पास में एक बेडरूम था, उसके बाद किचन था, बट यहां पे टोटल आपको प्राइवेसी है, तीनों बेडरूम्स के लिए प्राइवेसी मिल रही है। ये अपार्टमेंट नंबर 5 है दोस्तों। इस तरह से ये हमारा प्रोजेक्ट है, बहुत ही बढ़िया रेप्यूटेड बिल्डर है। अपार्टमेंट्स में आपको मैं अभी कॉन्फ़िगरेशन बताता हूं। 1 bedroom हॉल किचन का आपका कारपेट एरिया है 424 square feet। 2 bedroom में हमारे पास 3 वेरियंट है, जिसका कारपेट एरिया है मिनिमम 616 square feet, 618 square feet, और बड़ा जो है जिसमें आपको मैंने बताया जिसमें बालकनी है उसका एरिया है 758 square feet कारपेट। और आपको 3 bedroom हॉल किचन में भी आपको 3 वेरियंट मिलते हैं, जिनका कारपेट है मिनिमम 913 square feet, उसके बाद आता है 991 square feet, उसके बाद सबसे लार्ज जो हमारे पास है वो यूनिट है 1076। ये बहुत ही लार्ज 3 bedroom हॉल किचन है, आपने देखा होगा। अब बात करते हैं प्राइसिंग की दोस्तों। यहाँ पे अभी जो लॉन्चिंग प्राइस चल रही है 1 bedroom हॉल किचन की, आपको 424 square feet का कारपेट एरिया का जो 1 bedroom हॉल किचन है वो आपको 1.42 crore के करीब कोटिंग प्राइस है दोस्तों। इसमें हमारे पास जो बताया मैंने आपको 3 कारपेट के फ्लैट्स है, 562 square feet का आपको जाएगा 1.86 crore ऑनवर्ड्स, 618 square feet का जो है वो जाएगा आपको 1.98 crore, और जो बालकनी वाले फ्लैट्स है 2 bedroom हॉल किचन 758 कारपेट जिसका है वो 2.4 crore के करीब जाएगा। तो ये थी दोस्तों प्राइसिंग, और आपको अभी 3 bedroom हॉल किचन की प्राइसिंग भी बतानी है। मिनिमम जो एरिया मैंने आपको बताया था 913 square feet का, उसकी प्राइसिंग है 2.88 crore प्लस। उसके बाद मैक्सिमम जो कारपेट एरिया है 1076 वाला, उसकी प्राइसिंग जाती है 3.46 crore। तो दोस्तों आप एक बार हमारे प्रोजेक्ट पे विजिट कीजिए, और पूरा डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमारे व्हाट्सएप लिंक पे आप क्लिक करके ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। पेमेंट प्लान जानने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, तो हम आपको फोन पे अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाएंगे। दिवाली में भी हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स है, तो आप एक बार नीचे दिए गए स्क्रीन के ऊपर जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं उस पर जरूर कॉल कीजिए और साइट विजिट कंफर्म कर लीजिए। थैंक यू।